हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है पटना हाईकोर्ट की तरफ से, ट्रांसलेटर की नई वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, है तो ये पटना हाईकोर्ट बिहार के लिए, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया कि ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। पोस्ट की बात करें तो दो तरह के पोस्ट है, एक है ट्रांसलेटर और एक ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की रहेगी। अब इसके लिए जो अप्लाई डेट है, फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, 31 मई से ऑनलाइन हो रहा है, लास्ट डेट 30 जून रहेगा। तो अगर आप भी इस जॉब के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम का जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ फॉलो कर लीजिए। फिलहाल देख लेते हैं कि व्हाट इज एज लिमिट। सबसे पहले जानते हैं किस डेट के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट होगा। देखिए, 1 जनवरी 2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 के रिगार्डिंग 18 to 37 ईयर्स, मतलब 18 वर्ष से 37 वर्ष, ये जो आपका अपर एज लिमिट है ना 37 वर्ष, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट और बीसी ईबीसी बोथ मेल एंड फीमेल, इनके लिए ना 3 वर्ष का एज में छूट मिलेगा, मतलब कि इनके लिए है 18 वर्ष से 40 वर्ष। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए आपका 5 वर्ष का छूट है, मतलब कि 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म की जो फी है फ्रेंड्स, पता है कि हाई कोर्ट की वैकेंसी है और वो भी बिहार में, तो इसके लिए आपको जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से 1100 यानी 1100 रुपया फॉर्म फी लिया जाएगा। एससी एसटी और ओएच से यहाँ पर 550 रुपीज लिया जाएगा। तो ये तो फॉर्म अप्लाई करने के डिटेल्स हो गए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन आपका इंग्लिश होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। साथ ही साथ हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज का, कम से कम अगर आपके पास 6 महीने के भी कोर्स का है, और अगर एडीसी आपने किया है 1 साल का कोर्स तो तब तो बहुत ही अच्छा है। ये सारी बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, 3 स्टेज है। पहले स्टेज पर रिटन यानी कि ऑफलाइन आपकी परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर का ज्ञान आपको है कि नहीं, टाइपिंग करना आता है या नहीं, वो सब आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होता है, और तीनों में जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है ना, रिटन एग्जाम में आपको 100 में से 40% कम से कम स्कोर करना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40%, इंटरव्यू में आपको 30% लाना है। चलिए अब हम लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको स्टेज बाय स्टेज डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, टोटल 3 घंटे की परीक्षा होगी 200 यानी 200 नंबर के लिए। पहला 45 मिनट जो रहेगा ना आपका ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मतलब कि आपको टिक लगाना होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, ओएमआर सीट कलर करना होगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जनरल इंग्लिश से 30 मार्क्स के लिए, जनरल हिंदी से 30 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस और आपका लीगल नॉलेज से 20 मार्क्स का रहेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका, वो टोटल आपका 80 नंबर का होगा। आपको पता है कि 40% क्वालिफाइंग है, तो कम से कम 32 नंबर आपको इस पोर्शन में लाना है। तो जैसे ही ये पहला 45 मिनट कंप्लीट होता है, 15 मिनट का समझिए ब्रेक दिया जाता है, जो आपको ओएमआर सीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड था वो वापस ले लिया जाता है। फिर आपका होता है ट्रांसलेशन का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसके लिए फिर आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट दिया जाएगा। और ये जो ट्रांसलेशन की आपकी एग्जाम होगी ना, 2 घंटे के लिए होगी।
सो ट्रांसलेशन पहले तो आपका क्या होगा, इंग्लिश से हिंदी 60 नंबर के लिए, ट्रांसलेशन आपका हिंदी टू इंग्लिश 60 मार्क्स के लिए, टोटल आपका ये डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन 120 मार्क्स का होता है और मिनिमम 48 मार्क्स आपको लाना है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सबको कंबाइन करके आपकी परीक्षा 3 घंटे तक चलेगी। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम सेंटर होगा ना, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में रहने वाला है। आई होप कि एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेरीज आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब देख लेते हैं कि स्किल टेस्ट जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या ही होगा। पहले इसको क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट होगा। 30 नंबर के लिए होता है, कम से कम आपको 12 मार्क्स तो लाना ही है। आधे घंटे का ये टेस्ट होगा। देखिए टाइपिंग की टेस्ट होगी, हिंदी टाइपिंग आपको कम से कम 20 वर्ड यानी कि 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा इन एमएस वर्ड फॉर 10 मार्क्स। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन एमएस एक्सेल आपका 10 मार्क्स के लिए, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से 5 मार्क्स के लिए। तो ये आपका स्किल टेस्ट हो गया, जिसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है इन पटना हाई कोर्ट एज अ ट्रांसलेटर, जो कि ग्रुप बी की एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट होती है। रेप्यूटेड पोस्ट है तो सैलरी आप देख लीजिए, यहाँ पर लेवल 7 का सैलरी दिया जाता है 44,900, यानी कि 45,000 से शुरुआत ही होती है, बाद में सैलरी बढ़ा के 1,42,400 रुपया कर दिया जाता है। तो ये थी डिटेल आपकी पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब इसके लिए टोटल पोस्ट क्या है फ्रेंड्स, देखिए टोटल 80 पोस्ट रहेगा, ट्रांसलेटर के लिए 60 और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए आपका 20 पोस्ट है। टोटल आपका है 80 पोस्ट। 80 पोस्ट से मतलब नहीं, आपको पता है कि वेरी रिप्यूटेड पोस्ट है, तो आपको अपनी एक पोस्ट अचीव करनी है। इसके लिए जो आपका एग्जाम सिलेबस वगैरह है सारा कुछ नोटिफिकेशन में मिलेगा, जो कि टेलीग्राम पे अपलोडेड है। आई होप कि सारी क्वेरी क्लियर हो चुकी होगी। आप भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके क्लियर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।